वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड T20 2022 के लिए फुल स्क्वाड के बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक खेला जाने वाला है और इस बार T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने कभी भी ये टूर्नामेंट नहीं जीता और 2021 में भी वो सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए थे। इस बार के वर्ल्ड T20 के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने 15 मैन स्क्वाड अनाउंस किया है। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में रहने वाले बैट्समैन की बात करें तो वो है कैप्टन जेम्बा बभुमा, जो कि एक राइट हैंडेड और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। रीजा हेनरिक्स, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं। डेविड मिलर, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। राइली रूसो, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। वर्ल्ड T20 2022 के लिए साउथ अफ्रीका के पास विकेट कीपर्स है क्विंटन डिकॉक, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं। हेनरिक क्लासन, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। क्रिस्टियन स्टब्स, ये एक राइट हैंडेड और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में इस बार के लिए ऑलराउंडर्स है बैटिंग ऑलराउंडर एडन मार्करम, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। बॉलिंग ऑलराउंडर ड्वाइन प्रिटोरियस, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। साउथ अफ्रीका के पास रहने वाले स्पिनर्स की बात करें तो वो है स्पिन बॉलर तबरेज शमशी, जो कि एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर है। स्पिन बॉलर केशव महाराज, ये एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। आखिरकार साउथ अफ्रीका के पास रहने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो है डेडली फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा, जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है। डेडली फास्ट बॉलर एनरिच नोकिया, ये भी एक राइट आर्म फास्ट बॉलर ही है। फास्ट बॉलर लुंगी एंगिडी, जो कि एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। और पेसर वेन पार्नेल, ये एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। क्या साउथ अफ्रीका की ये बेहतरीन टीम इस बार कामयाब हो पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके हिसाब से कौन सा प्लेइंग 11 बेस्ट रहेगा कमेंट्स कीजिए। हो सके तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर कीजिए और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।